हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग में इस बार पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। बीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर तक विश्व भर से आए मानव परिंदे आसमान में उड़ते दिखाई देंगे। ये दूसरा मौका है जब यहाँ वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। इससे पहले 2015 में वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। इसके बाद पैराग्लाइडिंग के प्री वर्ल्ड कप का भी आयोजन होता आया है, लेकिन इस मरतबा यहाँ वर्ल्ड कप के आयोजन की घोषणा शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। सीएम ने पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप को पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया है। हमारे पैराग्लाइडिंग हिमाचल के अध्यक्ष अनुराग जी, हमारे बिट्टू जी, सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी उस समय हमने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को चिन्हित किया था। हमने हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है, उन फैक्टर को हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ की प्रकृति और जलवायु को देखकर हमारा सबसे ज़्यादा थ्रस्ट हमारी सरकार का टूरिज्म सेक्टर को लेकर शुरू हुआ। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमने सरकार बनने के बाद इनिशिएटिव लिए उसमें कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट हमने घोषित किया, उस दिशा में हमने काफ़ी प्रगति की है और पूरे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को हमने अपने प्रायोरिटी सेक्टर के पहले स्थान पर रखा है। दूसरा स्थान हमने हाइड्रो को दिया है, तीसरा रिन्यूअल एनर्जी को दिया है। तो कई चीज़ें जोड़कर हमारी सरकार ने बजट का एलोकेशन किया। इस संदर्भ में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा जो वर्ल्ड कप का हमारा आयोजन हो रहा है वो भी एक प्रयास है। इसमें 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग का 7 दिन का ये हमारा कार्यक्रम है। इसमें 40 से 45 पूरे विश्व के देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बीड़ बिलिंग की साइट को पूरे विश्व में सबसे अच्छी साइट माना जाता है। ये पैराग्लाइडिंग ग्लाइडर्स के लिए एक स्वर्ग की तरह है। हर एक पैराग्लाइडर पूरे विश्व का इस बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करना चाहता है। इस दृष्टि से भी जब इसका आयोजन मैंने पिछले वर्ष देखा उस समय भी जापान और 2-3 देशों के प्रतिनिधि आए, तो हमने इसको लार्जर स्केल में करने की स्थानीय और मैं अनुराग शर्मा जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। उस समय इन्होंने मुझसे चर्चा की थी और आने वाले 2 से 9 नवंबर तक जब पूरे 40 से 45 देश के पैराग्लाइडर वहाँ उतरेंगे तो निश्चित रूप से टूरिज्म को वहाँ बहुत बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही हमारे 5 हेलीपोर्ट्स में कार्य शुरू हो चुका है। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ने का हमने प्रयास शुरू किया है। अब और जल्दी ही अभी पालमपुर में और चंबा में नए हमारे हेलीपोर्ट बनने जा रहे हैं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।